अगर ऐसा रहता तो हम यहाँ तो एडमिशन ही नहीं लेते। हम तो गवर्नमेंट का है बात कि बेटी बचाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, और सरकार की वजह से बेटी नहीं जा पा रही है वहाँ एग्जाम। यहाँ यातायात की सुविधा है, आराम से यहाँ आ जाते हैं। मुजफ्फरपुर से यहाँ ट्रैवल करना ज्यादा मुश्किल नहीं हो पाता है, 3 घंटे में यहाँ पहुँच जाते हैं, पर वहाँ जाना उससे भी ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगा, इससे भी ज्यादा। हम लोग को तो नीतीश सर से यही है उम्मीद कि जो बच्चे दे रहे हैं वो दे दें। मतलब कि 2-4 साल बात करना चाहिए, अभी जो सेशन कम, हाँ सेशन जो चल रहा है उसको चलने देना चाहिए। दूसरी बात को वो आउटर इलाका हो गया। नमस्कार, मैं हूँ निकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। देखिए नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं। क्या इशू आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं? नमस्कार सर, मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि हम लोग एमकॉम पार्ट 2 के स्टूडेंट हैं और यहाँ से इस बार हम लोग फाइनल कर रहे थे। फाइनल करने के बाद जब अचानक 1 तारीख को नोटिफिकेशन आया कि आप लोग का पटना में पेपर नहीं लिया जाएगा, ठीक है, किसी कारण से, या तो गवर्नमेंट के प्रेशर से या क्या मुद्दा है नहीं है, किसी कारण से आप लोग का पेपर नालंदा में लिया जाएगा, ठीक है, नालंदा में बड़गांव में पेपर लिया जाएगा। और इतने साल से कहाँ एग्जाम दे रहे थे आप? यहाँ पे, ठीक है, इतने साल से यहीं दे रहे थे पेपर और यहीं देने की उम्मीद से भी यहाँ पे एडमिशन करा रहे थे हम लोग, ठीक है, लेकिन अचानक से ये नोटिस दिया गया। अब प्रॉब्लम क्या आ रहा है? प्रॉब्लम ये आ रहा है कि वहाँ पे जाने का प्रॉब्लम, वहाँ पे रहने का प्रॉब्लम, नए जगह पे है, बहुत सारे महिलाओं के साथ बहुत सारा प्रॉब्लम है, ट्रैवल का प्रॉब्लम है, यहाँ तक कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से घर वाले भी नहीं जाने दे रहे हैं। तो क्या करें, वो ऐसे महिलाओं को पेपर दे नहीं दे? अब सरकार जवाब दे कि वैसे महिलाओं को पेपर देना है या नहीं देना है। आप देंगी या नहीं देंगी? सर अगर इतना दूर कर दिया तो हम नहीं दे पाएंगे, तो इसीलिए हम चाह रहे हैं कि आप नहीं दे पाएंगे। कितने साल से आप पढ़ रही हैं ये बताइए नालंदा में? सर नालंदा में ये 2रा साल है, ये मेरा 2रा कोर्स है नालंदा में। मैं इतने दिन से नालंदा यहीं पे आके लास्ट एग्जाम है, तो कह रही हैं कि नहीं एग्जाम दे पाएंगे। सर क्या करें, इतना दूर कर दिया, फैमिली ने मना कर दिया, अब जा ही नहीं पाएंगे। अब यहाँ से भी कोई कुछ नहीं कर सकता, हमें वहाँ सरकार के पास जाना पड़ेगा। तो हमारा आशा ये है कि वहाँ से कोई कुछ करे ताकि हम एग्जाम दे पाए। क्या लग रहा है, कोई कुछ सुनवाई होगी या नहीं होगी, या आप लोगों को जबरदस्ती जाना पड़ेगा वहाँ? सर हमें उम्मीद है कि अगर हम कुछ इनिशिएट करते सरकार शायद हमारी हेल्प कर दे। लास्ट सेशन में नालंदा पहुंचना पड़ रहा है आप लोगों को? जी नालंदा हम लोग को पहुंचना पड़ रहा, अचानक इस तरह से डिसीजन लेने के कारण मजबूरी में हम लोग को ऐसी उम्मीद नहीं थी। हम लोग आशा रख कर यहाँ एडमिशन लिए थे कि ताकि हम लोग को नालंदा नहीं जाना पड़े। आशा था कि यहाँ पे हम रह रहे हैं तो यहाँ हम पढ़ेंगे, यहीं हम एग्ज़ाम देंगे, हर चीज़ सुविधा के साथ। आप देख के एडमिशन लिए थे ना यहाँ पे? जी, इसी मुद्दे से हम लिए थे कि हमारा एग्ज़ाम पटना में होगा, अगर वहीं हमारा एग्ज़ाम होना हो रहता तो हम यहाँ एडमिशन लेते ही नहीं, वहीं रहते, एडमिशन यहाँ लेते ही नहीं। हम एडमिशन कौन सा कोर्स कर रहे हैं? एमकॉम पार्ट 2 में है, अभी हम पार्ट 1 दे चुके हैं। तो अगर ऐसा रहता तो हम यहाँ तो एडमिशन ही नहीं लेते, हम तो अपने पटना में बहुत सारे कॉलेजेस है वहाँ हम एडमिशन ले लेते हैं। चलिए तो ये बताइए कि कहाँ क्या जा रहा है, आप लोग को इश्यूज क्या आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स क्या आ रहे हैं, कहाँ क्या जा रहा है? देखिए गवर्नमेंट का है बात कि बेटी बचाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बिल्कुल, और सरकार की वजह से बेटी नहीं जा पा रही है वहाँ एग्जाम। सरकार के वजह से बेटी आगे नहीं बढ़ पा रही है? सरकार का ही तो फैसला है कि नालंदा एक बैग नए सत्र से जाना चाहिए, नए सेशन से जाना चाहिए। एक बैग हो गया अभी कि जा, तो मेरे घर वाले तो मना कर दिए आगे पढ़ने से, नहीं जाएंगे आप? नहीं, कह दिए कि नहीं नहीं जा सकते। तो सपना था ना, तभी तो एडमिशन ली। सपना था तब ना कि सरकार हमारा साथ दे रही है आगे पढ़ाने में। हमको घर वाले से ज्यादा सपोर्ट सरकार से मिलती है हमेशा, बचपन से ही। सरकार ज्यादा सपोर्ट करती है घर वालों से? हाँ बिल्कुल, क्योंकि घर वाले को तो बचपन से रहता है कि बस 12 तक पढ़ो, उसके बाद शादी हो जाएगी, ये हो जाएगी। मगर हमारे नए नए स्कीम कौन निकालते हैं? नीतीश जी निकालते हैं। उसके बाद अचानक से ये फैसला आ जाना कि नहीं वहाँ जाके देना है, तो हम लोगों के लिए तो बहुत चिंता की विषय है। जा पाएंगी या नहीं? नहीं, बिल्कुल मेरे घर से साफ कह दिया गया है कि नहीं जाना है, नहीं जाना है। आप बताइए कि अभी आप कौन सा कोर्स कर रहे हो? एमकॉम कर रही है। बताइए कि इतने समय से यहीं पे एग्जाम दे रही थी, सारा चीज यहीं पे हो रहा था। हाँ, अब शिफ्ट वहाँ हो जाएगा तो आप दे पाएंगी कि नहीं? नहीं, बहुत दूर हो जाएगा। मुजफ्फरपुर से आते हैं, मुजफ्फरपुर से यहाँ एग्जाम देने आते हैं, फिर यहाँ से वहाँ जाना पॉसिबल नहीं है। यहीं एग्जाम आप डिमांड करती हैं? हाँ, क्योंकि यहाँ यातायात की सुविधा है, आराम से यहाँ आ जाते हैं। मुजफ्फरपुर से यहाँ ट्रैवल करना ज्यादा मुश्किल नहीं हो पाता है, 3 घंटे में यहाँ पहुँच जाते हैं, पर वहाँ जाना उससे भी ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगा, इससे भी ज्यादा। तो बहुत क्या लग रहा है, एग्जाम दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे? नहीं, अगर वहाँ दिया तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बहुत रिमोट एरिया है वहाँ, बहुत दिक्कत हो जाएगा। फिर तो क्या डिमांड करते हैं? यहाँ पे सेंटर यहीं पे रखा जाए, सेकेंड ईयर का सेंटर यहीं पे रखा जाए। कुछ कहना चाह रही हैं आप आंटी? जी हाँ, मेरी बच्ची हैंडीकैप है, वो कैसे जाएंगी? आप किस चीज का कोर्स कर रही हैं? वो MSc कर रही हैं, सेकंड ईयर का एग्जाम। जी हाँ, तो वो कैसे जाएंगी आप बताइए? आप ले जा पाएंगे उनको? मुश्किल है कि नहीं? यहाँ था तो थोड़ा आराम थी,
यहाँ थी तो आराम थी, और अब बच्ची मेरी हैंडीकैप है, अब हम उनको ले जाना होगा वहाँ। यहाँ सुन के पहुँचे हैं, आप ये बताइए कि क्या ये होगा, इन लोग के साथ क्या होगा? देखिए, अभी कुलपति महोदय से बात हुई है, उनका ये कहना था कि ये जो यहाँ से हमारे ऊपर प्रेशर है कि यहाँ से बिस्कुमान भवन से पूरा यूनिवर्सिटी को शिफ्ट करके हमको नालंदा लेकर के जाना है। उन्होंने के पाठ का हवाला दिया, के पाठक का, लेकिन हमने इनसे कहा है कि आप ठीक है, आप लेकर के जाइए, जो नए सिरे से जो आप वहाँ आप लेकर जाएंगे, नया दाखिला होगा उनका, आप सारा कार्यवाही गतिविधि वहीं से होगी। लेकिन जो लोग इस सेंटर को देख करके यहाँ नामांकन लिए थे तो हमको सुविधा होगी। डिस्टेंस में लोग नामांकन लेता है तो कई सारे कारणों से लेता है, स्वास्थ्य का कारण भी हो सकता है, नौकरियों का भी कारण हो सकता है, तो वो लेता था उसी सुविधा पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं, पार्ट टाइम जॉब कर यहाँ पढ़ रहे हैं, तो उसको लेकर के इन लोगों ने रेगुलर ना चुन करके डिस्टेंस चुना है। अब उसके बाद आप उनको वहाँ अफरात, वो भी आप अफरा तफरी में भेज रहे हैं, मुश्किल सब चीज अफरा तफरी में हो रहा है, बिल्कुल अफरा तफरी में हो रहा है। और हमको लगता है कि के पाठक से भी उन्होंने कहा कि एक बार उनसे भी मुलाकात करने के लिए हम शिक्षा विभाग से मुलाकात करेंगे। इस जगह से इस तरह से जो तुलकी और फरमान उन्होंने जारी कर देते अचानक से कि यहाँ से ये शिफ्ट किया जाए, उसको वापस लिया जाए, सपना टूटेगा या सपना बन जाएगा, ये मेरा सवाल है। हम लोग को तो नीतीश सर से यही है उम्मीद कि जो बच्चे दे रहे हैं वो दे दें, और जो नए बच्चे एडमिशन लें वो वहाँ जाएं, ताकि वो जहाँ रहते हैं वहाँ से जाए, जो नया एडमिशन लेंगे वो अपने बच्चे के साथ पहुंची या अकेले पहुंची? हम अपने बच्चे के साथ हैं, हमारी बच्ची एग्जाम देने गई है और हम यहाँ हैं। लेकिन इतने साल से यहाँ एग्जाम दे रहे हैं, एक ही बार फटफट में वहाँ भेज दिए? हाँ, मान लिया कि वो कौन सी होता है प्रैक्टिकल, अगर एग्जाम यहाँ ले ली, हाँ यहाँ एग्जाम ले ली और प्रैक्टिकल के लिए वहाँ जाना हो तो मुसीबत होगी ना। हम तो यही हैं पटना में, जी हाँ पटने के हैं। मतलब कि वहाँ अगर होगा तो आप नहीं ले जा पाएंगे? नीतीश कुमार सरकार से क्या अपील करना चाहते, क्या कहना ये चाह रहे हैं कि सर जो है नीतीश सर, वो जो एग्जाम बच्चे दे रहे हैं वो यहाँ देने दें, एग्जाम प्रैक्टिकल जो भी है दे दें। नहीं देखिए, कहना ये चाहेंगे कि जो भी करना है, मतलब कि 2-4 साल बाद करना चाहिए, अभी जो सेशन कम, हाँ सेशन जो चल रहा है उसको चलने देना चाहिए। दूसरी बात को, वो आउटर इलाका हो गया, यहाँ पर लड़कियाँ कहीं से पहुँच जाती है लेकिन वहाँ पर कोई साधन है नहीं, तो फिर वहाँ पर बच्चे पहुँचने कहीं ना कहीं असमर्थ हो जाएंगे। और दूसरी बात कि हम कहना चाहेंगे कि जो भी प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको एक बार नोटिस पहले नोटिफाई करना चाहिए, अचानक कीजिएगा तो बच्चे कैसे जाएंगे। चलिए, बिस्कुमान के नीचे हम खड़े थे और नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद थे, साफ कह रहे हैं कि अगर यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाएगा नालंदा पे तो हमें बहुत दिक्कत होगी। एक माता जी थी जो कि कह रही थी हमारी बेटी हैंडीकैप है, हम कैसे ले जाएंगे। कुछ महिलाएं मौजूद थी, कुछ फीमेल कैंडिडेट्स मौजूद थी जिनका साफ तौर पे कहना है कि हमारे घर वालों से ज़्यादा हमें सरकार मदद करती है, अगर नीतीश कुमार मदद नहीं करेंगे तो हमारा सपना टूट जाएगा। तो बस क्या कुछ कहना था, क्या कुछ मौल था, वो आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने, चैनल को सब्सक्राइब कर, इस पेज को लाइक कर, धन्यवाद।